नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है ताकि मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे नागरिकों को बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा को विभाग के कर्मचारियों के द्वारा नजरअंदाज कर स्वास्थ्य सेवा की अवहेलना के साथ ही घोर लापरवाही। मामला है जनपद पंचायत अनूपपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोडुरी नंबर 1 में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर आए दिन ही ताला लटकने से प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने 13 जनवरी 2024 को सीओ मैडम एवं 17 जनवरी 2024 को जिला कलेक्टर महोदय को लिखित आवेदन देकर अस्पताल को नियमित संचालित करने की मांग की थी, लेकिन आज तक हॉस्पिटल का नियमित संचालन नहीं हो पा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने 26 जनवरी 2024 को सैकड़ों की संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर सीएचओ मैडम से उप स्वास्थ्य केंद्र न खुलने की वजह पूछी। साथ में एएनएम भवन में पानी की टंकी निर्माण कर्मचारियों की रहने का कारण पूछा, जिस पर सीएचओ मैडम ने फील्ड में ड्यूटी लगने का बहाना बता रही और एएनएम भवन में उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के द्वारा ताला तोड़ कर रहा जाता है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर ग्रामीणों ने सीएचओ मैडम को बताया है कि हॉस्पिटल का संचालन नियमित रूप से कराया जाए और एएनएम भवन को खाली कराया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी। मेरे बियामो सर देख ली ना मैडम, आज तक जो भी हो सुनिए, हम वो नहीं चाहते। तो सही हो रही है, मतलब पूर्णतः फर्जी, जिसको बोलते भ्रष्टाचार। आप पता है हॉस्पिटल को पूरा भ्रष्टाचार में समर्पित करते हैं। अगर गांव वाले पूरा विरोध कर रहे हैं तो उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। मेरी जहाँ ड्यूटी रहती है मैं वहाँ जाती हूँ। ड्यूटी आपको मुझे भी पता है। अब मुझे आपकी ड्यूटी है 10 से 5 बैठने की, क्योंकि सीएचओ काम होता है ऑफिस में बैठना ना कि फील्ड में घूमना। मैडम वही चीज मैं भी बोल रही हूँ कि आप प्लीज ऑफिस में जाके पूरे गांव वाले बोलिए कि मुझे यहाँ परमानेंट स्टाफ चाहिए सर, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधा नहीं हो पा रही। परमानेंट आपकी नियुक्ति हुई है, आप मैडम हॉस्पिटल में कितने